एवरीवन वेलकम टू करंट क्रंच तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा यूनिट फोर आपके स्पेशलाइजेशन पार्ट का थ्री यूनिट्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा आपको मेरी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना होगा जीके एस एस बी स्पेशलाइजेशन नाम से अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है प्लस मैंने उस पर जीके का कोर्स भी स्टार्ट किया है जिसमें हम करंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर रहे हैं तो उसकी भी सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी इफ़ यू वॉन्ट पी डी एफ ऑफ दीज वीडियोज़ तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा अगेन जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो वहाँ पे मैं फ्री पी डी एफ टेस्ट सीरीज एंड आपका जो भी इसका मटीरियल है स्कीम्स के पी डी एफ वगैरह वो सारे वहाँ पे अपलोड करती हूँ तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें इट विल भी बेनिफिशियल फॉर यू ये मेरी प्रोफाइल This is me, Kurat Malik, Engineer, Research Scholar in Sociology, Qualified NET Sociology. I have got six plus years of experience in teaching and I have taught at online platforms like Study IQ and an an academy. वहाँ से भी आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं। ठीक है, तो this work is completely uh, without any profit. So if you want, आप मुझे super thanks भेज सकते हैं, जो आपको नीचे comment section में मिल जाएगा, जो वह heart के बीच में dollar बना होता है, that is a super thanks option. तो so, हम start करते हैं आज का video हमारे poverty and unemployment से। तो बेसिकली आपका जो सोशोलॉजी कोर वाला पार्ट था वो ऑलमोस्ट वी हैव डन दैट और ये थोड़ा आपका इकोनॉमिकल टच आएगा यहाँ पे तो जो अब हम टॉपिक्स इसमें डिस्कस करेंगे वो आपके कहीं ना कहीं इकोनॉमी पार्ट से रिलेटेड है ठीक है स्टार्ट करते यू एन ह्यूमन राइट काउंसिल की डेफिनेशन से उन्होंने क्या कहा पॉवर्टी क्या है जब कोई बेसिक चीजों को आपको डिप्राइव किया जाए ठीक है तो बेसिक चीजें कौन सी हुई वेन यू फेस डिप्रिवेशन ऑफ रिसोर्सिस केपेबिलिटीज चॉइसिस सिक्योरिटी पावर ये सारी चीजें जो जरूरत होती हैं आपको एन्जॉय करने के लिए एक गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक है और बाकी सिविल कल्चर इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स तो ये सारी चीजें एन्जॉय करने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए आपके पास कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए ठीक है आपके पास वो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए दैट मीन्स वो चाहे फाइनेंशियल कैपेबिलिटी हो या आपकी एजुकेशन हो आपके पास चॉइसेस फॉर्म करने का एक ऑप्शन होना चाहिए जहाँ पे आपकी चॉइस हो कि आप क्या, क्या करना चाहते हो आपको सिक्योरिटी एंड पावर मिलना चाहिए कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं दी जाती है ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होती हैं तो आपको डिप्रिवेशन काफ़ी चीज़ों की फेस करनी पड़ती है और वो सारे लोग जो इस ग्रुप में आते हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं उनको हम बोलते हैं पुअर ठीक है वो इस अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पॉवर्टी में फॉल करते हैं ठीक है थीके? फिर आगे हमें इसमें देखना है अलग अलग क्राइटेरिया क्या है पुअर लोगों का डिफाइन करने का बीपीएल क्या है वगैरह वो हम आगे देखेंगे ठीक है तो जो पॉवर्टी है वो खुद को मैनिफेस्ट करती है एब्सोल्यूट टर्म्स में भी एंड रिलेटिव टर्म्स में भी देखते हैं आगे क्या होता है तो एप्सोलूट पॉवर्टी क्या होता है जब आपको डिप्राइव किया जाएगा बेसिक ह्यूमन नीड्स से दैट मीन आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में कुछ चीज नहीं दी जाएगी आपके पास फूड एक लेवल का नहीं है जितने की आपको जरूरत है आपके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है ठीक है सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है आपके पास प्रॉपर सफाई वाली चीजें आपके पास नहीं है वॉशरूम वगैरह बेसिक फैसिलिटीज आपके पास अच्छी हेल्थ आप एक्सेस नहीं कर सकते हो अच्छी हेल्थ को क्यों क्योंकि आपके पास वो मेडिकल uh, एक्सेस करने का एक्सपेंसेस वो सब चीजें नहीं है शेल्टर आपके पास हाउस नहीं है गुड एजुकेशन नहीं है तो जब एप्सोल्यूट टर्म्स में आप बोल सकते हो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है ये चीज़ नहीं है ये चीज नहीं, नहीं है इसको हम बोलते हैं एप्सोल्यूट पॉवर्टी ठीक है अब दूसरा है आपका रिलेटिव पॉवर्टी देखो एक बात मैं आपको हमेशा के लिए बोल देती हूँ जब भी आप ये टर्म रिलेटिव देखोगे ना ये हमेशा होता है इन कंपैरिजन। जब भी आप कोई चीज़ रिलेटिवली मेजर करोगे दैट मींस इन कंपैरिजन टू दी अदर पर्सन जब आप यहाँ पे रिलेटिव पॉवर्टी भी देखोगे ये यूजुअली देखा जाता है कंट्रीज़ की पॉवर्टी लेवल को कंपेयर करने के लिए या एक इंसान दूसरे एक ग्रुप के रिलेशन में कितना पोअर है अगर उसके पास घर है हैज़ अ हाउस उसके पास कार है ठीक है उसके पास पैसा है उसके पास सारी फैसिलिटीज है और आपके पास वो नहीं है दैट मीन्स आप अपनी रिलेटिव पावर्टी देख रहे हो ठीक है वेयर एज एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट इज जब आप उसको टर्म्स में मेजर कर रहे हो आपको पता है आपके पास फूड वाटर सैनिटेशन फैसिलिटीज हेल्थ शेल्टर एजुकेशन इंफॉर्मेशन ये सारी चीजें आपके पास नहीं है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पावर्टी ठीक यहाँ तक क्लियर हो गया अब देखते हैं पॉवर्टी थ्रेश होल्ड द पॉवर्टी थ्रेश होल्ड जो है इन एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इज सेट यूजिंग द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द बास्केट ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट्स एंड एवरी हाउस होल्ड लेस देन दिस वैल्यू विल बी क्लासिफाइड एज पोअर ठीक है अब थोड़ा थोड़ा हम अंदर घुस रहे हैं इकॉनॉमी के थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट में आ रहे हैं ठीक है अभी तक बस हम ये देख रहे थे कि पॉवर्टी वगैरह क्या होता है देखो इकोनमी में हम एक चीज बोलते हैं बास्केट ऑफ गुड्स बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स फिर जिसके पास पैसे हो ये गुड्स वगैरह खरीदने के वो एक कैटेगरी में आते हैं और जिसके पास इतनी इनकम नहीं हो कि वो ये सारी चीजें खरीद सके उसको क्लासिफाई किया जाता है एस पोअर क्या हो सकता है बास्केट ऑफ गुड्स आप खुद ही सोचो जो आपकी जरूरत की चीजें हैं सबसे पहले उसमें क्या आएगा फूड आइटम्स ठीक है फूड आइटम्स जैसे आपका ब्रेड हो गया राइस हो गया ऑयल हो गया ठीक है या और क्या आ सकता है आपका क्लोदिंग आइटम्स आ सकते हैं आपके कपड़े जीन्स टी शर्ट ठीक है अगर आप अभी स्कूल गोइंग हो तो आपकी फीस आपकी ट्यूशन की फीस तो बेसिकली इन सब आइटम्स को एक नाम दिया गया है बास्केट ऑफ गुड्स फिर अगर आपकी उतनी इनकम है कि आप ये बास्केट ऑफ गुड्स एफर्ड कर पाओ तो ठीक है अगर आप नहीं एफोर्ड कर पाते हो तो आपको पुअर बोला जाता है यू विल बी क्लासिफाइड एज पुअर ठीक है पहले मैं कलर चेंज करती हूं रेड कलर पे वापस आते हैं ठीक है तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसने क्या कहा एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है कंडीशन है कैरेक्टराइज सीवियर अच्छा ये हमने कवर कर लिया है ना हाँ पॉवर्टी थ्रेशोल्ड शोल्ड हम करे थे इज़ सेट यूजिंग अ मॉनिटरी वैल्यू ऑफ़ द बास्ट ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट्स एंड एवरी हाउस होल्ड हुज इनकम इज लेस देन दिस वैल्यू विल बी क्लासीफाइड इज पोअर अब जो आप पॉवर्टी थ्रेश होल्ड रखोगे दैट मीस एप्सोलूट मेजरमेंट में आप एक नंबर रखोगे फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड रुपीज़ अगर आपको ज़रूरत पड़ते हैं ये बास्केट ऑफ गुड्स खरीदने की ठीक है लेकिन आपकी इनकम नाइन्टी फाइव है या हंड्रेड से लेस देन हंड्रेड फाइव है लेस देन हंड्रेड फाइव तो आप क्या करोगे आप किस कैटेगरी में फॉल करोगे यू विल क्लासिफाइड एस पोअर ये कहने का मतलब बास्केट ऑफ गुड्स क्लियर हो गया होगा आपको इकोनॉमिक तो कॉन्सेप्ट जितना आपके लिए जरूरत है इस एग्जाम के लिए उतना मैं आपको पढ़ाऊंगी क्योंकि हम इकोनॉमी नहीं पढ़ रहे हैं हमें जनरली जनरल टर्म्स में पढ़ना है पर कहीं ना कहीं यूल गेट दिस इकोनॉमिकल टच इंडिया में ये जो बेसिक नीड्स है इनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं कि आप इतना एटलीस्ट कमाओ कि जो एक इंसान है रूरल एरिया का वो ट्वेंटी फोर हंड्रेड कैलोरीज जो है स्पेंड कर पाए खुद पे दैट मीन्स ट्वेंटी फोर हंड्रेड कैलोरीज पर पर्सन ठीक है और अगर आप अर्बन एरिया में हो आपकी इतनी इनकम होनी चाहिए कि आप इतना खाना एटलीस्ट एफोर्ड करो कि आपके टू हंड्रेड वन वाला खाना आप दिन में खाने चाहिए कैलरी हमें पता है हर जो भी आप आइटम खाते हो फूड आइटम उसमें कुछ कैलरीज आपको मिलेंगी राइस में कुछ होती हैं वेजिटेबल्स में अलग होती हैं मिल्क में अलग होती हैं वो टोटल मिला के आपका अगर गाँव के हो तो आपकी कैलरी कंजम्पशन ट्वेंटी किलो कैलरीज होनी चाहिए पर पर पर्सन पर डे पर एंड अगर आप शहर के हो अर्बन एरिया में हो तो एटलीस्ट ट्वेंटी वन हंड्रेड इतना आप कमाओ कि इतनी कैलरीज वाला खाना आप एफोर्ड कर पाओ ठीक है यहाँ ऐसे भी हम मेजर करते हैं किसको इसको यहाँ पर पॉवर्टी एस्टिमेशन ऐसे भी होती है कि आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी हो गया अब रिलेटिव इज अ कंडीशन इन विच पीपल लैक मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम नीडेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी इन विच दे लिव ठीक है सोसाइटी में जैसे बाकी लोग रह रहे हैं वो स्टैंडर्ड के साथ मैच करने के लिए आपका उतना इनकम नहीं है तो यूज यूजुअली हम क्यों यूज करते हैं डिटरमिन करने के लिए पर कैपिटा दैट इज जहां पर भी आप पर कैपिटा देखोगे दैट मींस पर पर्सन इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज अगर आपको मेजर करना है कंपेयर करना है तो वहां पे आप हमेशा टर्म रिलेटिव देखोगे तो वंस एंड फॉर ऑल ये चीज़ दिमाग में रख लो रिलेटिवली हमेशा यूज़ होता है जब हम खुद को किसी दूसरे के कंपेरेटिवली देखते हैं इन रिलेटिव पॉवर्टी जो पोअर है डिफाइंड एज अ पर्सन और अ फैमिली हुज इनकम आर लेस देन द एवरेज इनकम ऑफ द कम्युनिटी तो अगर आपकी एवरेज इनकम है कम्युनिटी की हंड्रेड थाउजेंड दैट इज अर वन लैक लेकिन आपकी इनकम uh, है टेन थाउजेंड तो आप रिलेटिवली पुअर हो चाहे आपके पास वो बास्केट ऑफ गुड्स एफोर्ड कर पाओ नहीं कर पाओ वो हम चीज यहां पे नहीं देख रहे हम बस देख रहे हैं एवरेज में जो बाकियों के कंपेरिजन में आपकी इनकम क्या है ठीक है उस हिसाब से आप क्लासीफाई होते हो एज रिलेटिवली पोअर दो सो फॉल इन दैटेगरी ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी आर नॉट ने वही जो बास्केट ऑफ गुड्स की चीजें हैं वो यहाँ पे बास्केट ऑफ गुड्स हमने यहाँ पे नहीं बताई रिलेटिव में इसमें सिर्फ आप क्या कर रहे हो आप देख रहे हो यू मे नॉट एक्सपीरियंस द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज अ मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी या इन अदर वर्ड्स दे आर रिलेटिवली डिपराइड ठीक है आई होप एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव क्लियर हो गया अब इसमें आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा एग्जाम में आएगा तो यूल बी एबल टू आंसर अब क्या क्या कॉजेस हैं पॉवर्टी के काफी ज्यादा कॉज है यहाँ पे हम देखते हैं कुछ एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इकोनमी जो है इसके काफ़ी फैक्टर्स होते हैं अंडर डेवलप नेचर ऑफ इकॉमी कि आपकी नेचर ऑफ इकॉनमी ही अंडर डेवलप्ड है कि वहाँ पर आपको ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं मिलते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है प्राइवेट कंपनी सेक्टर वहाँ का डेवलप नहीं हुआ है जो आपको जॉब्स प्रोवाइड करे ठीक है डिमांड एंड सप्लाई की प्रॉब्लम है दैट मीन्स मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है चीजें चीज़ें कब मैन्युफैक्चर होंगी जब उनकी डिमांड बढ़ेगी अकॉर्डिंगली सप्लाई बढ़ेगी तो अगर ये सारी नेचर ऑफ इकोनॉमी में ही कुछ गड़बड़ चल रही है उससे भी पॉवर्टी हो जाती है अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में कि ऐसी पॉपुलेशन बढ़ गई आपके जो रिसोर्सेज हैं वो उतने ही रह जाते हैं लेकिन आपकी जो पॉपुलेशन है रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग वो डबल ग्रो कर रही है ठीक है दैट मीन्स अगर जॉब आपके पास हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं जॉब आपके पास हजार लोगों के लेकिन आपकी पॉपुलेशन दस हज़ार बन रही है तो ऐसी कंडीशन में भी पॉवर्टी आ जाती है लार्ज इनइक्वालिटीज इन द ओनरशिप ऑफ अर्निंग एसेट्स सच एज लैंड बिल्डिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा इसमें भी आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलेंगी ठीक है आप देखो इंडिया में एक साइड से है तो एक साइड से पॉवर्टी कितनी हाई है तो ये यहाँ पे क्या डिपेक्ट करता है इनकम इनइक्वालिटी अगर जो इनकम है उसमें इतनी इनइक्वालिटी हो ठीक है तो क्या हो जाएगा अगेन आप ये भी एक पॉवर्टी का कॉज है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ना एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी है ना इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी है तो जब काम ही नहीं हो रहा है प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ रही है तो आप पैसे कहाँ से कमाओगे तो अगेन कॉज ऑफ पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट ये भी आपका कॉज ऑफ पॉवर्टी है ये तो हमें फिर डिस्कस ही करना है अनएम्प्लॉयमेंट ये हम अलग से ही डिस्कस करेंगे पूरा एक बड़ा यूनिट है इन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एक्वाइरिंग एजुकेशन स्किल्स ठीक है इंडिया भी इसकी बेस्ट एग्जाम्पल रहेगी क्योंकि अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती है क्योंकि डिविजन है सोसाइटी में इतने तो इक्वल अपर्चुनिटी सबको नहीं मिल रही है अब इंडिया क्या कर रहा है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन उससे क्या होता है आपको रिजर्वेशन मिलती है और डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं जिनके साथ अभी तक गलत हुआ है उनको जिनको पूरी ऑपॉर्चुनिटी नहीं मिली आ रही है इतने सालों से अब थ्रू रिजर्वेशन उनको भी पुश किया जाता है स्टेट की पॉलिसीज ही जो है वो काम सही से नहीं कर रही है स्टेट लॉज ला रहा है स्कीम्स ला रहा है लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन फेलियर हो रहा है इस वजह से भी जो है पॉवर्टी से आप लोगों को नहीं निकाल पा रहे हो और रीजनल डिस्पैरिटीज है रीजनल डिस्पैरिटीज हो गया आपकी कोई एरिया जो है बहुत गरीब है कोई एरिया बहुत कम अमीर है ठीक है अगर आप देखोगे नॉर्थ में अगर आप यूपी बिहार में देखोगे वहां पे आपको पॉवर्टी ज्यादा मिलेगी ओडिशा ठीक है फिर अगर आप साउथ की तरफ आओगे केरला वगैरह में तो वहां पे पॉवर्टी लेवल कम है तो कहीं पे आपको ज्यादा पॉवर्टी लेवल मिलेगी कहीं पे कम मिलेगी एक ही एरिया में डिफरेंट देखो अगर आप पंजाब में भी आप नॉर्थ पंजाब की तरफ जाओ या वेस्ट पंजाब की तरफ जाओ फिर साउथ एंड ईस्ट अगर आप चारों डायरेक्शन की पॉवर्टी देख लेवल्स देखो तो आपको काफी ह्यूज डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी ठीक है तो विद इन एन एरिया भी आपको रीजनल डिस्पैरिटी देखने को डिस्पैरिटी देखने को मिलती है एंड एक एरिया से दूसरी एरिया के बीच में भी आप डिस्पैरिटीज देखते हो अब हम पॉवर्टी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे आपका देखना बनता है दैट इज अ पॉवर्टी लाइन तो पॉवर्टी लाइन क्या है बेसिकली ये एक आप बोल सकते हो मिनिमम लेवल सेट किया गया है कि जिसके नीचे अगर आप हो तो आप पोवर क्लासिफाई होते हो कि जो ये पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन निकाला गया है एक टर्म फॉर एग्जांपल हंड्रेड रुपीज अगर होगा तो अगर हंड्रेड रुपीज से कम आप कमाते हो और बास्केट ऑफ गुड्स वाली चीजें एफोड नहीं कर पाते हो आप you'll be as poor. तो जो है, इसकी कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है पॉवर्टी एस्टिमेशन में एंड ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री ठीक है ना फॉर एक्साम्पल जैसे मैंने आपकी है कार इन यू एस मे बी कंसिडर्ड पोअर इन इंडिया ओनिंग अ कार अभी भी एक लग्जरी है तो वैसे ही पॉवर्टी लाइन जो है हर कंट्री की उसकी इकोनमी के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है अ कॉमन मेथर्ड यूज टू मेजर पॉवर्टीज बेस्ड ऑन द इनकम और दंजम्पन लेवल मेजरली हम पॉवर्टी किस पे मेजर करते हैं उनकी कंजम्पशन लेवल्स पे कि क्या क्या वो कंज्यूम करते हैं वो जो बास्केट ऑफ वाली चीज़ें ठीक है एंड उनका इनकम कितना है पर्सन पुअर इफ ही और हिज इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो अ मिनिमम लेवल दैट इज नेसेसरी टू फिलफिल द बेसिक नीड्स हर कंट्री एक इमेजनरी लाइन यूज करती है दैट इज कंसिड अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स तो हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग हमारी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इकॉनॉमी के अकॉर्डिंग जो हमें सूट करेगा हम वो पॉवर्टी लाइन जो है अपनी सिलेक्ट करेंगे ऐसा नहीं हो सकता ना जो यूएस की पॉवर्टी लाइन हो वो हमारी हो क्योंकि वो अलग कंट्री है डेवलप्ड कंट्री है हम अभी भी डेवलपिंग है फाइन तो अपनी कंट्री के डेवलपमेंट की और इकोनॉमी के अकॉर्डिंग आपकी पॉवर्टी लाइन जो है वो अलग होगी ऐसे हमारे पास अकॉर्डिंगली दो ग्रुप्स बनते हैं एक आपका अबो पॉवर्टी लाइन है जिसको ए पी एल बोलते हैं एंड बिलो पॉवर्टी लाइन है जिसको बीपीएल बोलते हैं तो जो पॉवर्टी लाइन है उसके ऊपर वाले कैटेगरी के, के लोग जो क्लासिफाई नहीं होते हैं एज पोअर वो आपके अबो पॉवर्टी लाइन हो गए एंड बिलो पॉवर्टी लाइन जो आपके क्लासीफाई होते हैं एज पोअर अब जो पॉवर्टी लाइन के बिलो फॉल करते हैं हमें उनका एक डेटा होना जरूरी है कि कितनी डेप्रिवेशन वो फेस करते हैं ठीक है एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ उनके पास है या नहीं हाउसिंग उनके पास है नहीं वो हमें सब जरूरत होता है क्योंकि उनके लिए हमें स्पेशली उनकी एलिवेशन के लिए उनको पॉवर्टी से रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज एंड स्कीम्स लानी होती है तो एकडिंगली हमें उनका सेंसस कंडक्ट करना होता है वो कौन करता है कंडक्टेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एम ओ आर डी इसको शॉर्ट में लिखते हैं अगर एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म आ गया और उसकी हेल्प कौन करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन एंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ठीक है तो डिटर्मिन जब हम करते हैं पॉवर्टी लाइन इंडिया की तो ये बेसिक गुड्स जो है बास्केट ऑफ गुड्स जो मैंने अभी बताया था इनको ध्यान में रखा जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने एक नई पॉवर्टी लाइन एस्टेब्लिश की बेस्ड ऑन डेली एक्सपेंडिचर ऑफ यूएस डॉलर वन पॉइंट थ्री फाइव वन पॉइंट थ्री फाइव पर डे पर पर्सन ठीक है इतना वो स्पेंड कर पाना चाहिए अगर नहीं कर पाता है देन ही बी क्लासिफाइड एज पोअर तो ये जो आपको ये डेटा देखने को मिलेगा यहाँ पे एक अमाउंट ये आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन देती हैं खुद से सर्वे करके हमारे लिए मेजरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है चलो तो ए का मैंने लिखा एंड वर्ल्ड बैंक का एंड योर नीति आयोग आगे देखते हैं पॉवर्टी लाइन कैलकुलेशन इंडिया में एक ऐसे होती है इट इज कैरीड आउट बाई नीति आयोग नीति आयोग का काम है बेस्ड ऑन द डेटा जो प्रोवाइड करता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एन एस एस ओ इसको शॉर्ट में बोलते हैं ये जो एन एस एस ओ है ये किसके अंडर आता है ये ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन शॉर्ट में इसको मॉस्टी बोलते हैं ठीक है जो नीति आयोग है एक पॉलिसी थिंक टैंक है और इसने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को तो अगर आपने पहले पढ़ा होगा कहीं पे पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन होते थे जो फाइव ईयर प्लान बनाते थे उन्हें फाइव ईयर प्लान थ्री ईयर प्लान बनाए हैं ठीक है ठीके? बाद में उसको रिप्लेस किया गया किसे नीति आयोग से तो जो करेंटली आपका पॉवर्टी एस्टिमेशन है वो किसके जिम्मे है नीति आयोग का उसके लिए उसको डेटा चाहिए होता है ठीक है वो कहाँ से उसको मिलता है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस से और वो ऑफिस किसके अंडर आता है मॉस्पी के ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन क्या है इंडिया की अ पर्सन हु एक्सपेंडिचर ऑफ थाउजेंड और लेस इन सिटीज तो सिटीज का ये अलग है एंड आपके विलेजेस का अलग है तो सिटीज में हो गया थाउजेंड और थाउजेंड से कम और लेसर देन थाउजेंड एंड आपका एट हंड्रेड है जो इस इनकम uh, पे रहते हैं मंथली दे आर क्लासिफाइड एज पुअर ठीक है मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ थाउजेंड और लेस एन सिटीज एंड एट हंड्रेड सिक्स एट दी बेस इसमें प्राइस क्या है दो हजार ग्यारह बारह का इज पोअर एज पर दॉवर्टी लाइन जो कौन डिटर्मिन करता है जिसको डिटर्मिन किया गया है एक्सपर्ट ग्रुप ने कॉल टेंडुलकर कमेटी इन दैट ईयर ठीक है टेंडुलकर कमेटी हमें अलग पढ़ना है कमिटीज हैं कुछ पॉवर्टी एस्टिमेशन के जिन्होंने अलग अलग मेथड्स दिए हैं पॉवर्टी को करने के एस्टिमेट वो हम आगे देखेंगे पर उसमें से एक्सेप्ट किसका किया गया है मोस्टली टेंडुलकर कमेटी ने जो हमें बताया था दिस इज अ थ्रेश होल्ड यूज टू डिटर्मिन पॉवर्टी स्टेटस इन इंडिया और ये किसने आपको कहा था एन एस एस ओ ने ठीक है क्या थ्रेश होल्ड थाउजेंड और लेस इन सिटीज एंड एट हंड्रेड सिक्सटीन और लेस इन विलेजेस फिर ऐसे आगे कमेटी आई थी रंगराजन कमेटी 2014 में उसने कहा था ये जो आपका थ्रेश होल्ड है थाउजेंड और एट हंड्रेड सिक्सटीन इसको आप बढ़ाओ लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है अगर आप इस थ्रेश होल्ड को बढ़ाओगे तो आपकी जो पॉवर्टी परसेंटेज है वो भी बढ़ेगी ठीक है अभी अगर आप हजार रुपए कमा रहे हो मंथ का तो आप पुअर हो अब अगर आप हजार ग्यारह से कम कमा रहे हो तो आप फॉर एग्जाम्पल आप बारह सौ से कम कमा रहे तो हो तो आप पुअर हो तो नेचुरली बारह सौ से कम कमाने वाले ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू थाउजेंड से कम कमाने वाले तो इससे क्या होगा आपका जो पॉवर्टी एस्टिमेट है वो भी बढ़ जाएगा इसीलिए इसकी जो फाइंडिंग्स थी इस कमिटी की वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं की थी और जो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन है कॉन्स्टिट्यूट टू बी बेस्ड ऑन दी टू थाउजेंड जो किसने सजेस्ट किया था टेंडुलकर कमेटी ने अब ग्लोबली जो पॉवर्टी लाइन है इसको वर्ल्ड बैंक ने सेट किया है हंड्रेड सॉरी टू पॉइंट वन फाइव डॉलर्स पर डे ठीक है टू थाउजेंड इसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो दो हजार ग्यारह में यहाँ पॉवर्टी थी कितनी ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव एंड इट केम डाउन टू टेन परसेंट इन ट्वेंटी ठीक है जो रूरल इंडिया है हैड मोर पुअर पीपल इलेवन पॉइंट नाइन परसेंट दैन अर्बन एरियाज जिसकी कितनी थी सिक्स पॉइंट फोर परसेंट तो ये डेटा आपको अपने नोट्स में लिखना होगा ये आपके काम आएगा दो हजार उन्नीस में कितना था टेन परसेंट वो कितना कम हुआ था दो हजार ग्यारह में ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव परसेंट से वो टेन परसेंट पहुंचा था ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव से टेन परसेंट पहुंचा था ठीक है एंड रूरल इंडिया जो है उनकी पुअर पो, पो, पीपल की कितनी थी परसेंटेज इलेवन पॉइंट नाइन एंड अर्बन एरिया की कितनी थी सिक्स पॉइंट फोर ये थोड़ा बहुत आपका ग्लोबल पॉवर्टी क्या क्या था लाइन का ये आपको किसने दिया था वर्ल्ड बैंक ने ठीक है टू पॉइंट किसका है वर्ल्ड बैंक का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रख लेना अब पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिपेंडेंस से पहले भी हुआ करती थी अब वो किन किन तरीकों ने और किस किस इंसान ने की थी तो उसके लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट नाम है दादाबाई नेहरू जी का या आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था ठीक है इन्होंने एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया अगर आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा कहीं इकोनॉमिक ड्रेन का वो भी इन्हीं से ही रिलेटेड है ठीक है तो वो मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगी आपको यहाँ पे उस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वो हम जीके में पढ़ी लेंगे हिस्ट्री पार्ट में इन्होंने कहा था एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन्होंने बहुत पहले सेटअप की थी वो थी सिक्सटीन टू थर्टी फाइव पर कैपिटा पर ईयर दैट मीन सिक्सटीन टू थर्टी फाइव पर पर्सन पर ईयर बेसिस पे ठीक है तो ये कब की बात हो रही है इंडिपेंडेंस से पहले की तो इसमें पर ईयर पे आप ये नहीं हो जाना कि सिक्सटीन रुपीज पर ईयर तब तो कुछ आना एक आना दो आना उससे कम वैसे करके कमाई होती थी तब मनी की वैल्यू वही थी जो पॉवर्टी लाइन है उन्हें प्रपोज करी थी वो कुछ बेसिक गुड्स पे थी जो आपके बेसिक डाइट में आते हैं फॉर एग्जाम्पल राइस फ्लावर दाल मटन वेजिटेबल्स घी ठीक है उसके बाद नेशनल प्लानिंग कमिटी थी 1938 की नेशनल प्लानिंग कमिटी उन्होंने कहा पॉवर्टी लाइन रेंज का नीचे 15 से बीस रुपीज पर कैपिटा पर मंथ पर कैपिटा क्या होता है आपका पर पर्सन ठीक है और जो इन्होंने डाइट की बात करी थी उसमें न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स की बात भी हुई थी तो वो डाइट में इम्प्लिसिट था और 1938 में जो नेशनल प्लानिंग कमिटी थी ये जिसकी हम बात कर रहे हैं इसको सेटअप किसने किया था एससी बोस ने अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू तो आजादी से पहले भी जब इकोनॉमिक प्लान बनाने की बात कहाँ हुई थी वो हुई थी 1938 में एक कमिटी सेटअप की गई थी उस कमेटी में जिसको सेटअप किया था एस सी बोस ने और उसका चेयरमैन था जवाहरलाल नेहरू ठीक है तो ये आपको याद रखना फिर आता है प्री इंडिपेंडेंस में और एक चीज आपका बॉम्बे प्लान इसने क्या कहा पॉवर्टी लाइन कितनी होनी चाहिए सेवेंटी फाइव रुपीज पर कैपिटा पर ईयर ठीक है जो बॉम्बे प्लान है ये आपका एक सेट ऑफ प्रपोजल था जिसको बनाया था इन्फ्लुएंशियल बिजनेस लीडर्स इन बॉम्बे ने ठीक है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमी ऑफ इंडिया तो ये काफी इन्फ्लुएंशियल आपके इंडस्ट्रियलिस्ट थे बॉम्बे के जो फिर डेवलपमेंट uh, प्लान बना रहे थे कि इकोनॉमी के बाद इंडिपेंडेंस uh, के बाद हमारी इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए उन्होंने बॉम्बे प्लान दिया था जनवरी नाइनटीन फोर्टी फोर में इसको फिफ्टीन ईयर इकोनॉमिक प्लान भी बोला जाता है ईयर आगे देखते हैं फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ एक ग्रुप 1962 में किया गया। और किसने किया? प्लानिंग एक्सपर्ट बनाता था इन्होंने कहा सेपरेट पॉवर्टी लाइन रखो रूरल एंड अर्बन एरियाज की दैट इज युपीज एंड टी फाइव रुपीज पर कैपिटा पर ईयर रेस्पेक्टिवली फिर अकॉर्डिंगली और कुछ फैक्चुअल बातें पहला ऑफ पॉवर्टी इंडिया में ऑन द बेस ऑफ नेशनल सर्वे डेटा किसने किया था वी एम दांदेकर एन एन ने ठीक है तो ये दो नाम भी आप याद रख लेना अनलाइक प्रीवियस स्कॉलर्स जिन्होंने कंसिडर किया था सबसिस्टेंस लिविंग और बेसिक मिनिमम नीड्स क्राइटेरिया अभी तक हम सिर्फ बास्केट ऑफ गुड्स की बात कर रहे थे ठीक है तो इन्होंने कहा था कि हमें पॉवर्टी लाइन को देखना चाहिए इट मस्ट बी डिराइड फ्रॉम द एक्सपेंडिचर दैट वॉज एडुकेट टू प्रोवाइड कैलरीज तो कैलरी कंजम्पशन की बात अभी तक नहीं हुई थी बास्केट ऑफ गुड्स की ही बात हुई थी तो इन्होंने कहा था स्पेसिफिकली इन्होंने दिया था टू टू फाइव जीरो कैलरीज जो है वो इन्होंने दिया था पर डे बोथ रूरल और अर्बन एरिया के लिए ठीक है तो वो इन्होंने एम वी एम दान्डेकर एन एन राथ ने कहा था यहाँ जो मैंने आपको प्री इंडिपेंडेंस का कहा नेशनल प्लानिंग कमेटी इसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की बात हुई थी दैट वॉज इम्प्लिसड पर एक्सप्लिसिटली स्टेट करना कैलोरीज का और बास्केट ऑफ गुड्स से आपका थोड़ा ध्यान हटाना वो काम किसने किया था पहली बार वी एम दांदेकर एंड एन राष्ट्रेजर्स ऑफ पॉवर्टी की कैसे कैसे जनरल पॉवर्टी हम जो है वो कैलकुलेट की जाती है हेड काउंट रेशियो और पॉवर्टी रेशियो वो कैसे होता है जितना नंबर ऑफ बीपीएल लोग हैं आपके स्टेट में डिवाइडेड बाय आपकी स्टेट या आपकी कंट्री जहाँ का भी आप देख रहे हो उनकी पॉपुलेशन कितनी है तो ये इंडिकेट करता है कितने नंबर ऑफ पुअर इंडिविजुअल्स एंड टोटल पॉपुलेशन में उनका एक्सटेंट सीवियरटी और इन कितनी है पॉवर्टी में और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स थोड़ा बाद में हमें डिटेल में भी देखेंगे क्योंकि नीति आयोग ने अभी रिसेंटली अपना खुद का एम दिया है ठीक है इसको डेवलप किया था 2010 में बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ऑफ ह्यूमन एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओफ डी करके इसको याद रख सकते हो एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ठीक है इन दोनों ने कंबाइन करके आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स दिया था जिसमें हम पॉवर्टी को अलग अलग डायमेंशन और इंडिकेटर्स पे क्या करते हैं एनालाइज करते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि रिसेंटली नीति आयोग ने खुद का एमपीडीआई जो है वो हमें दिया है एमडीपीआई भी बोलते हैं इसको एम और एम आगे देख लो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स ये पहले यूएनडीपी के अंडर ही आता था टू तो मेजर पॉवर्टी बाद में इसको ऐड किया गया था किसके साथ एमपीडीआई के साथ इन टू फिशर प्राइस इंडेक्स ये कैसे करता है अपडेट पॉवर्टी लाइन को ये यूज करता है कंजम्पशन डेटा कि कितनी चीजें आप बास्केट ऑफ गुड्स में कितना कंज्यूम कर रहे हो और उस कंजम्पशन डेटा जो है जो आप गुड्स कंज्यूम करते हो उसमें से सिक्सटी परसेंट कौन से आते थे इसमें फूड आर्टिकल्स ठीक है तो कुछ चीजें हो सकता है एग्जाम में आ जाए अब कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज हम डिस्कस करेंगे जिन्होंने अलग अलग चीजों पे ध्यान दिया कि कौन सी चीजें हमें अकाउंट में लेनी चाहिए पॉवर्टी को पॉवर्टी की एस्टिमेशन देखने के लिए पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए पहले है आपका वाई के अलग कमेटी सेवेंटी ठीक है तो इसने इनिशियली फोकस किया आपके इनकम बेस्ड पॉवर्टी मेजरमेंट पे लेकिन बाद में इसने क्या कहा पॉवर्टी को मेजर करो रिलेटेड टू स्टारेशन यहाँ पे गलत हो गया स्पेलिंग

तो इन्होंने कहा एक पॉवर्टी लाइन कंस्ट्रक्ट किया रूरल और अर्बन एरियाज के लिए ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स एंड रिलेटेड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ठीक है तो जितने आप कंज्यूम कर रहे हो कैलोरी सिर्फ उस पर ध्यान नहीं दो क्या जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है जो आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको मिलने चाहिए आपके जेंडर के अकॉर्डिंग आपको मिलने चाहिए वो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हो रही है या नहीं तो इन्होंने क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया ट्वेंटी वन हंड्रेड कैलोरीज इन अर्बन एरिया एंड ट्वेंटी फोर हंड्रेड कैलरीज इन रूरल एरियाज ठीक है जो हमने अभी आ, स्टार्टिंग में देखा था तो वो क्राइटेरिया वाई के अलग कमिटी से आया था पॉवर्टी एस्टिमेट्स फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स वर टू बी कैलकुलेटेड बाई एडजस्टिंग दी प्राइस लेवल फॉर इन्फ्लेशन और जब आप क्या करते हो पॉवर्टी एस्टिमेट कैलकुलेट करते हो पॉवर्टी तो आपको लेवल ऑफ इन इन्फ्लेशन भी देखना है उस साल का जिस साल में आप कैलकुलेट कर रहे हो जब अगर टू थाउजेंड नाइनटीन में आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको जो इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन होता है आपका महंगाई आपको महंगाई कितनी हुई है उन प्राइसेस में कितना चेंज हुआ है वो सारी चीजें भी इंक्लूड करनी है तो आपको यहाँ पे डिटेलिंग में नहीं जाना है आपको ये की पॉइंट्स याद रखने कैलरी कंजम्पशन की बात की थी वाई अलग वाई के अलग कमिटी ने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स की बात की थी ये क्राइटेरियन हमें दिया था एंड उन्होंने कहा था इन्फ्लेशन को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा प्राइस कैलकुलेट करने के लिए तो आगे है आपका लकडा वाला कमेटी इन्होंने भी क्या कहा था कंजम्पशन बेस्ड एक्सपेंडिचर देखो जैसे कि पहले वाई के अलग ने कहा था और इन्होंने कहा था कंस्ट्रक्ट करो स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन्स तो अगर एग्जाम में आता है स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन्स की बात पहले किसने करी थी वो करी थी लगड़ा वाला कमेटी ने और इन्होंने कहा अपडेट करो ये जो पॉवर्टी लाइन्स है उनको अपडेट करो अकॉर्डिंगली आप सीपीआई निकालो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का फॉर अर्बन एरियाज एंड आप सी पी आई कैलकुलेट करो लेबरर्स का इन रूरल एरियाज ठीक है अब वो सी पी आई क्या होता है बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या आपको बताता है कि आपका जो बास्केट ऑफ गुड्स है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग उसके प्राइस में कितना चेंज हुआ है ठीक है तो प्राइस लेवल में क्या चेंज हुआ है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आपके बास्केट ऑफ गुड्स में वो आपको सीपीआई बताता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको बोलते हैं शॉर्ट में तो सीपीआई जो वर्कर्स का अर्बन एरियाज में है उसको अलग कैलकुलेट करो एंड सीपीआई जो आपका एग्रीकल्चर लेबर्स का रूरल एरियाज में उसको अलग कैलकुलेट करो ये किसने कहा था लड्डा वाला कमिटी ने और ने कहा था स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट करो एंड जो कंजम्पशन बेस्ड एक्सपेंडिचर है जैसे पहले कैलरी कंजम्पशन की बात हुई थी पहले की तरह बाई uh, की अलग कमेटी ने जो कहा था कहा था वो वैसे ही आप कैलकुलेट करो ये देखते हैं तेंदुलकर कमेटी ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की रिकमेंडेशन जो है गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की थी ठीक है इट वॉज हेडेड बाय मिस्टर सुरेश तेंदुलकर तो इनके क्या इंपॉर्टेंट चीजें इन्हें कही थी इन्हें कहा था शिफ्ट करो पॉवर्टी एस्टिमेशन को एस्टिमेशन को फ्रॉम कैलरी कंजम्पशन लेवल दैट मीन सिर्फ आपको फूड आइटम्स की बात नहीं करनी है इसमें क्लोथिंग फ्यूल एजुकेशन ऐसी सारी चीजें भी इंक्लूड होनी चाहिए रूरल एंड अर्बन इंडिया शुड अ यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट ये क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगी एंड जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है इसमें एजुकेशन हेल्थ को भी इंक्लूड करना चाहिए जब हम पॉवर्टी लेवल एस्टिमेट कर रहे होते हैं अब यहाँ पे देखते हैं यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट बेसिकली होता क्या है पॉवर्टी लाइन बास्केट वो सारी चीजें बेसिक गुड एंड सर्विसेज जो आपको एक मिनिमम डिसेंट लाइन लाइफ दे सके मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपको जरूरत है आपके पॉवर्टी लाइन बास्केट तो इन्होंने क्या कहा था बेसिकली जबकि अलग कमिटी है उसने क्या कहा था पॉवर्टी लाइन और बास्केट जो है दैट मीन वो गुड्स एंड सर्विसेज वो रूरल के लिए अलग रखो एंड अर्बन के लिए अलग रखो इन्होंने वो चीज़ नहीं मानी इन्होंने कहा एक यूनिफॉर्म पीएलबी सेट करो अक्रॉस रूरल एंड अर्बन ठीक है ऐसा नहीं रूरल के लिए अलग गुड्स पे कैलकुलेट करो अर्बन के लिए अलग गुड्स पे कैलकुलेट करो एक यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट रखो एंड अकॉर्डिंगली इन्होंने देखा ऑल इंडिया पॉवर्टी लाइन टू थाउजेंड फोर फाइव वॉज फोर फोर सिक्स पॉइंट सिक्स एट पर कैपिटा इन रूरल एरियाज एंड फाइव सेवन एट पॉइंट एट पर कैपिटा पर मंथ इन अर्बन एरियाज और ये जो कैलकुलेशन थी ये रूरल और एरिया को रूरल और एरिया के जो पीएलपीज़ हैं पॉवर्टी लाइन बास्केट उसको सेम रख के की गई थी ऐसा नहीं है कि रूरल के अलग गुड्स एंड सर्विसेज हों एंड अर्बन के अलग गुड्स एंड सर्विस हों फिर कैलकुलेट किया और नहीं इन दोनों के सेम पी एल बी रखे थे सेम गुड्स एंड सर्विसेज रखे थे फिर पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट किया था प्राइज एडजस्टमेंट प्रोसीजर इसने और एक चीज रिकमेंड की थी अ न्यू मैथड ऑफ अपडेटिंग पॉवर्टी लाइन कहा था एडजस्ट करो फॉर चेंजेस इन प्राइस एंड पैटर्न ऑफ कंजम्पन कि प्राइसेस भी चेंज हो जाएंगी आपकी जगह के अकॉर्डिंग आप चाहे किसी भी स्टेट स्टी रीजन में हो तो प्राइसेस चेंज हो जाएंगी एंड आपका मेथड ऑफ कंजम्पशन आपका पैटर्न ऑफ कंजम्पशन आप क्या चीजें कंज्यूम करते हो क्या नहीं करते हो वो भी चेंज हो जाएगा तो हमें पॉवर्टी लाइन को डिटर्मिन करते टाइम वो सारी चीजें भी जो है इंक्लूड करनी चाहिए इन्होंने मिक्स्ड प्रेफरेंस पीरियड दिया था Mixed Reference Period, the committee uh, recommended using mixed reference period based estimates as opposed to the uniform reference period based estimates jo pehle follow hote the ab aap bologe ये URP MRP kya hota hai जो आपका uniform reference period है, ये follow होता था up till 1993 to 94। इसमें क्या करते थे? लोगों से पूछते थे, उनका previous 30 days का consumption expenditure क्या था? That means कौन सी चीजें उन्होंने किन चीजों पे कितने पैसे spend किए? ठीक है वो मॉडल यूज करते थे इन्होंने कहा नहीं हमें मिक्स रेफरेंस पीरियड यूज करना है उसमें क्या करते थे वो यूज करने लगे हम नाइनटीन नाइन्टी नाइन टू टू थाउजेंड इस वाले ईयर के बाद मिक्स रेफरेंस पीरियड यूज करने लगे और तेंदुलकर कमेटी ने भी इसी को ही सपोर्ट किया था मिक्स रेफरेंस पीरियड मॉडल को तो इन्होंने क्या कहा था फाइव प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन जिसमें आपका आता है ये आप नोट no डाउन कर लो स्लाइड्स में नहीं है क्लोथिंग फुटवेयर Durables, education and health expenditure ठीक है ये सारे जो आइटम्स हैं इनका आप देखो ओवर प्रीवियस ईयर लोग कितना खर्चा कर पाए इन पे प्रीवियस ईयर पूरे साल का एंड जो इनके अलावा बाकी आइटम्स हैं वो आप प्रीवियस थर्टी डेज के देखो ठीक है तो ये होता है आपका मेक्सड रेफरेंस पीरियड यूनिफॉर्म में क्या किया था टोटल जितने सारे आइटम्स हैं क्या क्या कंजम्पशन उन्हें किया लोगों ने लास्ट थर्टी डेज में वो देखो इन्होंने इसको बाइफरकेट किया इन्होंने कहा क्लोथिंग फुटवेयर ड्यूरेबल आइटम्स एजुकेशन एंड हेल्थ पे लास्ट ईयर में कितना खर्चा हुआ एंड बाकी सारे आइटम जो बचते हैं उनमें प्रीवियस थर्टी डेज पे कितना खर्चा हुआ उसका एस्टिमेट जो है वो निकालो और वही मॉडल आप यूज करो तेंडुलकर कमेटी कम्प्यूटर पॉवर्टी लाइन्स फॉर टू थाउजेंड फोर फाइव एट लेवल दैट वॉज इक्वलेंट इन पीपीपी टर्म्स टू रुपीज थर्टी थ्री पर डे दैट मीन्स दो हज़ार चार पाँच के प्राइस लेवल्स को ध्यान में रखे इन्होंने परचेज पावर पैरिटी कितना कैलकुलेट किया था थर्टी थ्री रुपीज पर डे दैट मीन्स आप में इतना पावर होना चाहिए कि थर्टी थ्री रुपीज पर डे आप परचेजिंग पे खर्च कर पाओ जो नहीं कर पाते हैं वो क्लासीफाई होते हैं एज पोअर तो उसको हम बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी की कितना आप में पावर है आइटम्स को परचेज करने का देखते हैं रंग राजन कमेटी ये कमेटी जो इट इज बेस्ड ऑन एन इंडिपेंडेंट लार्ज सर्वे ऑफ हाउस होल्ड वो कौन करता है बाय सीएमआई दैट इज योर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी इसने भी डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज की वेयर इन हाउस होल्ड इज कंसिडर्ड पुअर इफ इट इज अनएबल टू सेव तो जहां तो पे अगर आप सेविंग नहीं कर पाते हो दैट मीन्स आप हैंड टू माउथ वाली लाइफ जी रहे हो उसको इन्होंने क्लासीफाई किया एज पुअर ठीक है आप कुछ भी सेव नहीं कर पाते हो जो लाते हो वो आपकी फैमिली पे सारा खर्च हो जाता है इसमें दो चीजें इन्होंने कही देखने के लिए नॉर्मेटिव लेवल एंड बिहेवियर लेवल तो पॉवर्टी शुड बी बेस्ड ऑन नॉर्मेटिव लेवल ऑफ एडुकेट न्यूट्रिशन की जो आइडियल और डिजायरेबल न्यूट्रिशन की जो नॉर्मल लेवल है वो आप सेटिस्फाई कर पा रहे हो कि नहीं वो आपकी नीड्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं एंड बिहेवियर लेवल जो नॉन फूड एक्सपेंसेस हैं आपके जो आपके बाकी खर्चे हैं खाने के अलावा उसमें आप कितने खर्चे पूरे कर पा रहे हो तो आपको नॉर्मेटिव लेवल एंड बिहेवियर लेवल दोनों कंसिडर करने होंगे वाइल एस्टिमेटिंग पॉवर्टी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की अलग चीजें बताई थी 2090 किलो कैलोरीज़ इन एट ग्राम्स एंड फॉर रूरल एरियाज 26 सिक्स ग्राम्स तो ये डेटा इन्होंने कहा था और क्या कहा था पर्सन स्पेंडिंग बिलो फोर्टी सेवन रुपीज अर डे इन सिटीज एंड थर्टी टू रुपीज अर डे इन विलेजेस उनको पुअर कंसिडर करो इस मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग जो रंगरंजन कमेटी है एस्टिमेटेड नंबर ऑफ पोअर हायर इन रूरल एरियाज एंड फोर्टी वन परसेंट मोर इन अर्बन एरियाज देन वट वॉज एस्टिमेटेड यूजिंग टेंडुलकर कमेटी फॉर्मूला तो जो आपको टेंडुलकर कमेटी ने कहा था उससे कई ज्यादा आपका एक्चुअल पॉवर्टी लेवल है अगर आप ये सारी चीजें कंसिडर करोगे जो मैं आपको बोल रहा हूँ और उन्होंने मिक्स रेफरेंस पीरियड जो हमने अभी देखा मिक्स रेफरेंस में क्या था फाइव आइटम्स को कंज्यूम उनका कंजम्पशन आप थ्री सिक्सटी फाइव डेज प्रीवियस ईयर में देखो प्लस जो रिमेनिंग फूड आइटम्स है उनका आप लास्ट थर्टी डेज में देखो तो इसको भी इन्होंने मॉडिफाई किया जिसका नाम रखा गया मिक्सड रेफरेंस पीरियड मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड एम उसमें इन्होंने कहा लास्ट के जो प्रीवियस ईयर है थर्टी सिक्स थ्री सिक्सटी फाइव डेज उसमें आप क्लोदिंग फुटवेयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल मेडिकल केयर एंड ड्यूरेबल गुड्स ठीक है वो वाली चीज़ सेटिस्फाई होती है प्लस सेवन डेज एडिबल ऑयल एग फिश मीट वेजिटेबल फ्रूट स्पाइसेज बेवरेजेस रिफ्रेशमेंट प्रोसेस फूड पैन टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स ये जो कंजम्पशन आप लोगों से देखो कि सेवन डेज में इत इन चीज़ों में उनने कित इन चीज़ों पर कितना खर्च किया है प्लस जो रिमेनिंग है वो आप देख सकते हो थर्टी डेज के तो वो मॉडिफाई कैसे किया उन्होंने ये वाला क्लॉज उसमें नहीं था पिछले वाले में जो हमने देखा ठीक है तेंडुलकर वाले में तो इन्होंने ये सेवन डेज वाला इसमें और एड किया और इसको नाम दिया मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड एंड एक एनसी सक्सेना कमेटी ये कमेटी लाई गई थी देखने के लिए बी फैमिलीज के रिगार्डिंग इन रूरल एरियाज फिर आपके आगे एसआर आर हाशिम कमेटी इसने क्या किया इसने कहा इसने प्रपोज़ किया ऑटोमेटिक एक्सपल्जन जो प्रिविलेज सेक्शन है उनको निकालो बीपीएल फैमिली से और जो वेलरेबल हैं दैट मीन्स वो लोग जो एक्चुअली उस चीज़ के हकदार हैं उनको बी पी एल फैमिलीज में आप इंक्लूड करो ये बी पी एल होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप हो तो आपको मतलब वो सर्टिफाई होना कि येस यू आर बी पी एल फ्रॉम गवर्नमेंट रजिस्टर हो रहा है एज़ बी पी एल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी स्कीम्स वगैरह बाद में जो गवर्नमेंट है बी पी एल फैमिलीज़ के लिए लेके आती है और अगर आप ऐसे रजिस्टर नहीं हुए हो एंड यू बिलोंग टू अ अल फैमिली तो आपके लिए आगे जाके प्रॉब्लम होती है तो एक तो ये इन्होंने रूरल की बात की थी कि रूरल में जो बीपीएल है उसमें से प्रिविलेज को हटाओ एंड वनरेबल को डालो प्लस उन्होंने अर्बन एरियाज़ के लिए भी कुछ कहा था थ्री स्टेज अप्रोच कहा था यूज़ करो उसमें भी ऑटोमेटिक एक्सपल्शन करो ऑटोमेटिक इंक्लूजन करो एंड स्कोरिंग इंडेक्स निकालो टू आइडेंटिफाई अर्बन पुअर दैट मीन्स कुछ इंडिकेटर्स पे उनके उनको, उनको वन जीरो टू तो टेन स्केल पे जो है स्कोर दे दो एंड उस स्कोर का फिर एक एवरेज निकाल लो ठीक है और आइडेंटिफाई करो उनको एस अर्बन पुअर और दो बातें इन्होंने कही थी हाउस होल्ड जिसमें तीन में से ये चार आइटम्स होंगे दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड पुअर अगर आपके घर में फ्रिज है मोटराइज टू व्हीलर्स है लैंडलाइट टेलीफोन है या वॉशिंग मशीन है इन चार में से अगर तीन चीजें यू हैव हाँ, यू शुड नॉट बी कंसिडर एज पुअर एंड जो डेफिनेशन ऑफ पोअर फैमिली है इसमें कौन कौन आने चाहिए बेगिंग वाले रैग पिकिंग जो कचरा वगैरह उठाते हैं डोमेस्टिक वर्क जो करते हैं स्वीपिंग वाले एंड सैनिटेशन का काम जो करते हैं ये सारी चीजें जो है वो डेफिनेशन ऑफ पोअर में आपको एड करने हैं ठीक है एंड हाउस होल्ड का उन्हें ये कहा था अब थोड़ा एमपीडीआई का देखते हैं एमडीपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये मैंने कहा ग्लोबल एमपीआई रिपोर्ट कौन पब्लिश करती है आपका ओफी या ओफडी करके इसको याद रख सकते हो एंड आपका UNDP? इसके लिए कौन सी मेथडोलॉजी यूज करते हैं वो मेथडोलॉजी बेस्ड होती है आपके रॉबर्ट एलकायर एंड फॉस्टर मेथड पे। इसको ए एफ मेथड भी बोला जाता है शॉर्ट में ये हमें दिया था सबीना एलकायर ने एंड आई गेस जेम्स फॉस्टर ने हाँ तो वो अगर आप इतना ही याद रखो एलकायर फॉस्टर इतना काफी है ये बेसिकली क्या कहते हैं देखते हैं कौन सा जो सेक्शन है कैटेगरी ऑफ पीपल जिनको डिप्राइव किया जाता है हेल्थ में एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड ठीक है तो ये क्या करते हैं थोड़ा आपको अलग अलग लेवल पे किस चीज में आपको डिप्राइव किया जा रहा है उसमें लिस्ट थोड़ा ऐड करते हैं हेल्थ में भी देखते हैं कितना डिप्रीवेशन है एजुकेशन में देखते हैं लिविंग स्टैंडर्ड में देखते हैं इतना बेसिक याद रखो इसकी डिटेल आप कोई नहीं पूछेगा ए एफ मेथड क्या होता है लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए एम पी आई जो है ग्लोबल मेथडोलॉजी यूज कर जो आपकी ग्लोबल ये देखता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कितनी है वो मैथड यूज करता है ए एफ मेथड पॉवर्टी इसने एनालाइज किया एम पी ही एम पी आई या एम डी पी आई को और हमें कहा जो फाइव में से सिक्स पोर पीपल इन इंडिया हैं दे बिलोंग टू लोअर और ट्राइब कैटेगरी ठीक है दैट मीन्स आपका जो कास्ट है लोअर कास्ट एंड लोअर क्लास वो बिलोंग उसमें से जो गरीब तबका है वो पांच में से छह लोग वही है ठीक है ग्लोबली एम पी आई कवर्स वन हंड्रेड सेवन डेवलपिंग कंट्रीज आइडेंटिफाइंग वन पॉइंट थ्री बिलियन मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल तो डेवलपिंग कंट्रीज कितनी इसमें आती है एक सौ सेवन को ही कवर करता है उसमें से इंडिया जो है फिलहाल टॉप कर रहा है लिस्ट को फॉलोड बाय नाइजेरिया पाकिस्तान इथोपिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बिहार जो है इट हैज गॉट दाइस्ट सेगमेंट ऑफ एम पी आई पॉपुलेशन फिफ्टी वन पॉइंट नाइन वन परसेंट अमंग द इंडियन स्टेट्स एंड केरला की लोएस्ट है दैट इज जीरो पॉइंट सेवन वन परसेंट ठीक है ये डेटा भी आपको याद रखना होगा प्लस हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी क्यों होता है और मैंने एम पी डी थोड़ा डिटेल भी क्यों लिखा क्योंकि नीति आयोग ने रिसेंटली एक स्टेप लिया टू में जहाँ इन्हें रिलीज़ किया अपना खुद का एम जो बेस्ड है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर पे ठीक है अब ये क्या होता है जब आप कंप्लीटली रिलाई करते हो फॉरेन एजेंसीज पे या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस पे आपका कोई ऐसा रैंकिंग वगैरह करने के लिए तो किस हद तक रिलायबल है आपको ये भी देखना है क्या उन्होंने सारे डायनेमिक्स जो है क्योंकि अगर आपको यहाँ पे कोई चीज मेजर करनी है आपको सोशल कल्चरल डायनेमिक्स भी देखने हैं आपको काफी सारी चीजें देखनी है ठीक है जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेजिटेरियनिज्म नॉन वेजिटेरियनिज्म आप देखोगे तो अकॉर्डिंगली आपकी कैलरी कंजम्पशन में भी डिफरेंस आएगा तो वो छोटी छोटी चीजें जो है वो क्या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस इतनी पेन्स लेंगे सर्वे करने के टाइम या नहीं इसलिए इंडिया ने क्या किया अपना MP, MPI जो है या एमडीपी वो भी रिलीज किया ठीक है तो नीति आयोग हैज द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023 ट्वेंटी एज पर दिस रिपोर्ट अब ये इसकी फाइंडिंग्स है 13.5 करोड़ पीपल एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2015-16 एंड 2019-20

वैल्यू कंपेयर टू दी अर्बन है तो उनमें आपको रिडक्शन ज्यादा देखने को मिली एस कम्पेयर टू यूर एरिया है एंड अर्बन एरियाज में एट पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट से फाइव पॉइंट टू सेवन परसेंट अगर आप सिर्फ ये डेटा भी याद रखोगे आपके लिए काफी होगा ठीक है तो ये है आपका नीति आयोग का अब हम बात कर रहे हैं एम की तो एक और चीज यहाँ पे देख लो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नाम से आपको पता चल रहा है मल्टी डायमेंशनल है दैट मीन्स पॉवर्टी देखने के लिए अलग अलग डायमेंशन देखेगा तो वो इसने कितने चीजें इसमें देखी हैं किन किन डायमेंशन पे हेल्थ पे एजुकेशन पे एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे ठीक है तो ये तीन डायमेंशन हैं एंड इसके इंडिकेटर्स कितने हैं ट्वेल्व इंडिकेटर्स हैं तीन डायमेंशन एंड ट्वेल्व इंडिकेटर्स उसमें न्यूट्रिशन चाइल्ड एंड एडोल्सेंट मोटेलिटी मटर्नल हेल्थ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग स्कूल अटेंडेंस ठीक है ये एजुकेशन में ये दो चीजें हेल्थ में ये तीन चीजें देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या चीजें कुकिंग फ्यूल सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर हाउसिंग इलेक्ट्रिसिटी एसेट्स एंड बैंकिंग अकाउंट ये सारी चीजें किसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में तो जो एम आप कैलकुलेट करते हो वो इन सब इंडिकेटर्स पे कैलकुलेट करते हो इन बारह इंडिकेटर्स पे जो पार्ट है किसका इन तीन डायमेंशन का हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज टू एन एस्टिमेट 9.3 परसेंट इन 2022 ये वर्ल्ड वाइड है और इसमें इंडिया में भी काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला था अब वर्ल्ड बैंक के क्या पैरामीटर्स हैं मेजर करने के लिए पॉवर्टी दैट इज योर उसने इसको तीन लेवल्स में डिवाइड किया है कि अगर आप एक्सट्रीम पावर्टी में फॉल करते हो या आप हाई पावर्टी लाइंस में हो और अगर आप लो मिडिल इनकम कंट्री के हो या आप अपर मिडिल इनकम कंट्री के हो ठीक है तो तीन चीजें आती हैं इसमें एक्सट्रीम पावर्टी यूर लो मिडिल इनकम कंट्री एल एंड योर अपर मिडिल इनकम कंट्री तो एक्सट्रीम पॉवर्टी के लिए क्या इन्होंने दिया है टू पॉइंट वन फाइव डॉलर पर पर्सन पर डे पर ठीक है पहले कितना था ये वन पॉइंट नाइन जीरो एल एम आई सी के लिए क्या दिया है इन्होंने थ्री पॉइंट सिक्स फाइव डॉलर पर पर्सन पर डे एंड अपर मिडिल इनकम कंट्री सिक्स पॉइंट एट फाइव डॉलर पर पर्सन पर डे दैट मीन्स अगर आप टू डॉलर से कम कमाते हो एक दिन का आप एक्सट्रीम पॉवर्टी में फॉल करते हो ठीक है तो ये आपके बहुत ही गरीब कंट्रीज के लिए आता है एंड जो आपकी मिडिल इनकम कंट्रीज है उनके लिए हाई पॉवर्टी लाइन क्या है कि मिनिमम आप 3.65 पॉइंट डॉलर पर डे कमाओ एंड जो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज है उनके लिए मिनिमम आप 6.85 पॉइंट अ डे जो है वो जरूरी कमाओ ठीक है तो ये था आपका थोड़ा बहुत पॉवर्टी का इसमें कुछ और टॉपिक्स हैं अभी पॉवर्टी के जो कवर करने वाले हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी और अगर वो वीडियो छोटा हुआ फिर हम अनएम्प्लॉयमेंट भी उसी में ही स्टार्ट करेंगे सो टिल द टाइम में अपलोड नो न्यू वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे